आपको मेरी आज आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही होगी। अगर किसी तरह की आवाज़ में डिस्कनेक्ट है या आवाज़ मुझे आप लोगों को क्लियर सुनाई नहीं दे रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने हो चुकी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये हमारी आज तीसरी कड़ी है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को उनके साहित्य, उनके द्वारा लिखित साहित्य या उनका संपादित किया गया किसी और के द्वारा या सरकार के द्वारा या पब्लिकेशन के द्वारा साहित्य, उन पर हम चर्चा करने के लिए आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आपके कमेंट में देखते जा रही हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई भी डिस्कनेक्ट पूर नेटवर्क की वजह से आपको दिखाई दे, तो आप मुझे प्लीज़ कृपा करके मैसेज करें, क्योंकि आजकल इंटरनेट की समस्या बहुत हमें अलग तरह की दिखाई दे रही है, बहुत प्रॉब्लम है। आज की बातचीत से पहले आज हम आपके साथ लेके आए हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय का खंड 4। उससे पहले कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साहित्य पर चर्चा करूँ, मैं एक छोटी सी कविता हमारे जो वरिष्ठ लेखक हैं सूरजपाल चौहान जी, उनकी कविता का पाठ करना चाहूंगी। ये दलितों की बस्ती है, बोतल महंगी है तो क्या, थैली बहुत ही सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। बोतल महंगी है तो क्या, थैली बहुत ही सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। ब्रह्मा विष्णु इनके घर में कदम कदम पर जय श्री राम, रात जगाते शेरावाली की करते कथा सत्यनारायण, पुरखों को जिसने मारा था उनकी ही कैसेट बजती है, ये दलितों की बस्ती है। तू चूड़ा मैं चमार, तू चूड़ा मैं चमार, ये खटीक और वो कोली, एक तो हम कभी हो ना पाए, बन गए जगह जगह टोली, अपने मुक्तिदाता को भूले, गैरों की झांकी है, ये दलितों की बस्ती है। हर महीने वृंदावन दौड़े माता वैष्णो छे छे बार, गुड़गांव की जात लगाता सोमनाथ को अब तैयार, बेटी इसकी 4 साल से 10वीं में ही पढ़ती है, ये दलितों की बस्ती है। बेटा बजरंगी दल में है, बाप बना भगवादारी, भैया हिंदू परिषद में है, बीजेपी में महतारी, मंदिर मस्जिद में गोली, इनके कंधे चलती है, ये दलितों की बस्ती है। शुक्रवार को चौंसर बढ़ती, सोमवार को मुख लहरी, विलियम पीते मंगलवार को, शनिवार को नित जहरी, नव दुर्गे में इसी बस्ती में घर घर तक बजती है, ये दलितों की बस्ती है। नकली बोधों की भी सुन लो कथनी करनी में अंतर, नकली बोधों की भी सुन लो कथनी करनी में अंतर, बात है बौद्ध धर्म की, घर में पड़े वेद मंत्र, बाबा साहब की तस्वीर लगाते, इनकी मैया मरती है, ये दलितों की बस्ती है। औरों के त्योहार मनाकर व्यर्थ खुशी मनाते हैं, औरों के त्योहार मनाकर व्यर्थ खुशी मनाते हैं, हत्यारों को ईश मानकर गीत उन्हीं के गाते हैं, 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती याद इनको रहती है, ये दलितों की बस्ती है। डोरी लाल है इसकी बस्ती का कोटे से अफसर, उनको इनकी क्या चिंता, अब दूजों में घुसकर जा बैठा, बेटा पढ़कर शर्मा जी और बेटी बनी अवस्थी है, ये दलितों की बस्ती है। भूल गए अपने पुरखों को महामहिम इन्हें याद नहीं, अंबेडकर बिरसा बुद्ध विरल उदल की याद नहीं, झलकारी को ये क्या जाने, इनकी वह क्या लगती है, ये दलितों की बस्ती है। मैं भी लिखना सीख गया हूँ गीत कहानी और कविता, इनके दुख दर्द की बातें मैं भी भला था कहाँ लिखता, कैसे समझाऊं अपने लोगों को चिंता यही खटकती है, ये दलितों की बस्ती है।
सूरजपाल चौहान जी ने कविता को किस ढंग से समाज की पूरी व्यवस्था को एक शब्दों में पिरोया। खैर, हम अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वक्तव्य, जिसे बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्ग की शिक्षा की स्थिति के बारे में भारतीय संविधानिक आयोग को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सदस्य विधान परिषद बम्बई ने दिया था। इनके पूरे वक्तव्य में पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग का वाक्यांश एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कहा जा सकता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश शासन के दौरान 1815 में बम्बई शिक्षा समिति की स्थापना से शुरू हुई। इस समिति ने यूरोपियन बच्चों को शिक्षा के लिए अपना प्रयास जारी नहीं रखे। सूरत और थाने में स्थानीय बच्चों को इस समिति के स्कूलों के लिए प्रोत्साहित किया गया है और 1820 के प्रारंभ में बॉम्बे में स्थानीय बच्चों के लिए 4 पृथक स्कूल खोले गए। उनमें लगभग 250 विद्यार्थी थे। उसी साल अगस्त में स्थानीय बच्चों की शिक्षा के लिए और उपाय किए गए। स्थानीय भाषाओं में स्कूली पुस्तकें तैयार करना और स्थानीय स्कूल की स्थापना या सहायता के लिए समर्पित समिति ने एक विशेष समिति नियुक्त की। परंतु शीघ्र ही यह महसूस किया गया, इस प्रयास का व्यापक क्षेत्र मुख्यतः गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित समिति के उद्देश्यों से परे है और 1922 में एक समिति अलग से बनाई गई। उसके बाद उनका नाम बॉम्बे नेटिव स्कूल बुक एंड स्कूल सोसाइटी रखा गया। बाद में 1827 में इसका नाम बदलकर बम्बई नेटिव स्कूल सोसाइटी कर दिया गया। माननीय माउंट स्टूअर्ट एलिफ्स्टिन इस नई सोसाइटी के पहले प्रेसिडेंट थे। मुख्यतः न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिपति और बम्बई सरकार की कार्यकारी परिषद के 3 सदस्यों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और प्रबंध समिति में 12 यूरोपियन और 12 भारतीय सदस्य थे, जिनमें कैप्टन जॉर्ज जेरबिस आर ई और सदाशिव काशीनाथ छत्रे को सचिव बनाया गया। सोसाइटी ने अपना कार्य सरकार से मिलने वाले 600 रुपये प्रतिमाह के अनुदान से प्रारंभ किया। 1825 तक बम्बई सरकार ने भी अपने खर्चे में जिलों के कस्बों में प्राथमिक स्कूल खोले और उन्हें कलेक्टर के अधीन रखा। 1840 में इन 2 स्वतंत्र संस्थाओं की गतिविधियों में तालमेल रखने के लिए 6 सदस्यों का शिक्षा बोर्ड बनाया गया, जिसमें 3 सदस्य सरकार द्वारा और 3 देसी नेटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा नियुक्त किए गए। यह बोर्ड 1855 में जन शिक्षा के निदेशक की नियुक्ति तक शिक्षा विभाग का प्रभारी था। 1 मार्च 1856 को जब यह बोर्ड भंग हुआ तो बम्बई प्रेसिडेंसी में 15 अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज थे। इनमें विद्यार्थियों की संख्या 2850 थी और वहां 256 वर्नाकुलर स्कूल थे, जिनकी संख्या 18888 थी। इसी रिपोर्ट में बोर्ड ने कहा था कि 24 अगस्त 1855 में अहमदनगर के कुछ निवासियों से एक याचिका प्राप्त हुई, जिसमें छोटी जातियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना करने का और बाद में बनाए गए नए नियमों के अनुसार अध्यापकों का आधा वेतन देने का अनुरोध किया गया था। याचिककर्ताओं ने स्कूल के एक कमरे का निर्माण कर लिया था और विद्यार्थियों की संख्या 30 बताई गई थी। इस प्रकार के स्कूल की स्थापना समृद्ध और स्वर्ण जातियों के प्रोग्रामों के आड़े आती थी और अल्प वेतन पर अध्यापक के मिलने में कुछ कठिनाई अनुभव हो रही थी। परंतु चूंकि याचिका इस विषय पर बाद की अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार की गई थी, हमने अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और नवंबर में स्कूल खोल दिया। हमने विषय का मात्र उल्लेख किया है क्योंकि यह पहला अवसर है कि हमने इन जातियों के लिए स्कूल खोला, मूल में नहीं। बोर्ड के इस वक्तव्य से प्रेसिडेंसी में छोटी जातियों के लिए पहली बार स्कूल खोला गया था। यह प्रश्न उठता है कि 1855 से पूर्व दलित जातियों की शिक्षा के बारे में ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह जरूरी है कि प्रेसिडेंसी में 1813 से 1855 के बीच की ब्रिटिश सरकार का शिक्षा नीति के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पेशवा सरकार के दौरान दलित जातियां शिक्षा से पूरी तरह वंचित थी। राज्य शिक्षा के किसी भी विचार में वे शामिल नहीं थे। इसका कारण यह था कि पेशवा राज्य धर्मशास्त्रों के सिद्धांत पर आधारित धर्म तंत्र राज्य था। उनके अनुसार शूद्र अतिशूद्रों को शिक्षा विभाग की पिछड़ी जातियों के समकक्ष जातियां जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार भले ही रहा हो, किंतु शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था।
इतनी व्यवस्थाओं में जी रही दलित जातियों ने इस घृणित धर्म तंत्र के पतन पर राहत की सांस ली। ब्रिटिश शासन की स्थापना से दलित जातियों में उच्च आकांक्षाएं जागी। पहली बात यह है कि यह एक लोकतंत्र था जिसके बारे में वे सोचते थे कि इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है और सभी इंसान बराबर हैं। यदि लोकतंत्र अपने सिद्धांतों पर सही अर्थों में चले तो वह अपने पेशवा के धर्म तंत्र के पूर्णतः विपरीत था। दूसरे, दलित जातियों ने देश को जीतने में अंग्रेजों का साथ दिया था और उन्हें सहज विश्वास था कि इसके बदले में अंग्रेज विशेष रूप से नहीं तो कम से कम अन्य वर्गों के समान तो उनकी सहायता करेंगे। स्थानीय लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के प्रश्न पर अंग्रेज लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे। हालांकि भारत के प्रशासन के उच्च अधिकारी भारत के लोगों में ज्ञान के प्रसार के अपने नैतिक दायित्व और उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं से पूरी तरह बेखबर नहीं थे। फिर भी 1813 में संविधि 53 जार्ज चतुर्थ अध्याय 155 की धारा 43 में संसद ने निर्णय दिया कि भारत के राजस्व में से प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए से अनधिक अलग रखा जाए, जो भारत के साहित्य में आवश्यक सुधार करने और यहाँ के विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा भारत में राज्य क्षेत्र के निवासियों में विज्ञान की शिक्षा का प्रचार करने में व्यय किया जाएगा। इस संविधि व्यवस्था के अंतर्गत कोई सुसंगत, सुदृढ़ और सुसंगठित प्रयास 1823 तक नहीं हुआ था, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 जून 1814 के पत्र में 1813 के संविधि की धारा 43 के क्रियान्वयन के तरीकों को निर्धारित करते हुए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्देश दिया था कि हिंदुओं में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी जो संसद चाहती थी। परंतु जब स्थानीय लोगों में शिक्षा को एक सुदृढ़ और सुसंगठित आधार प्रदान करने हेतु संगत प्रयास किए गए तो दलित जातियों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर यह भी निर्णय दिया कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रखी जाए। ये यूरोपियन आइडियोलॉजी का मूल चरित्र था। तथ्यों को काल्पनिक समझ लिया जाए, इसलिए बंबई प्रेसिडेंस के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के 1850 से 1851 के प्रतिवेदन के निम्नलिखित उदाहरण की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मुताबिक बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रणाली, इस प्रकार इस प्रेसिडेंसी के शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा योजना निर्धारित की जो माननीय कोर्ट से प्राप्त डिस्पैचों की प्रमुख निषेधाज्ञाओं के अनुरूप है। उसका गुण आधार है उन लोगों की राय जो भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास पर मनयोग से विचार करते रहे हैं, यथा ऑक्सलैंडर के अर्ल मेजर कैंडी और अन्य। उनका प्रमुख आधार है स्वयं अति बुद्धिमान स्वदेशी लोगों द्वारा खुलेआम घोषित आवश्यकताएं। हम दोहराते हैं कि परिषद में मान्यवर न्यायमूर्ति के प्रवृत्ति ने बोर्ड को सूचित किया था कि यह प्रक्रिया बदली जाए। यदि हमें कहने की अनुमति दी जाए तो हमें माननीय कोर्ट के उतने ही सूझबूझ वाले संकेत इस बारे में दिख पड़ते हैं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिनकी ओर सरकारी शिक्षा की धारा को मोड़ा जाए, खासतौर पर उस दशा में जब व्यय की शाखा के लिए अति सीमित राशि उपलब्ध है। माननीय कोर्ट ने 1830 में मद्रास को इस प्रकार लिखा है, कोटेड, लेकिन शिक्षा में सुधार से लोगों का मनोबल और आध्यात्मिक स्तर उठाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय वे हैं जिनका संबंध उच्च वर्ग के व्यक्तियों की शिक्षा से प्राप्त होता है। इन लोगों के पास समय होता है और अपने देशवासियों के मन पर उनका सहज प्रभाव होता है। इन वर्गों का शिक्षा स्तर अंततः उठाकर आप समाज के विचारों और उनकी भावनाओं में कहीं महान और अधिक लाभदायक परिवर्तन ला सकेंगे। अपेक्षाकृत उसके जिसे आप अधिक संख्या वाले वर्ग पर सीधा प्रभाव डालकर लाने की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी इस आतुरता से परिचित हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास सुरुचिपूर्ण स्वभाव और योग्यता से संपन्न मूल निवासियों का एक ऐसा समूह हो जो अपने देश के सिविल प्रशासन में और अधिक हिस्सा ले सके और उसमें और ऊंच पद पा सके। अभी तक हमारी भारत सरकार की यह परिपाटी नहीं रही है, फिर भी
हम अन्य अनेक पक्षों से सुनते हैं, हम उन लोगों से भी सुनते हैं जिन्हें यह बात और अच्छी तरह जाननी चाहिए कि जन वर्ग को शिक्षित करने के लिए भारत के 14 करोड़ लोगों में ब्रैक्ट, क्योंकि संख्या का कोई महत्व नहीं होता, यूरोप की कला और विज्ञान का रस घोलने के लिए कितनी आवश्यकता है और कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं। हम वैसे ही अन्य सामान्य बातें सुनते हैं जो इस विषय में भ्रामक धारणाओं से परिपूर्ण हैं। एक दर्शक भी यह सोचने के लिए ललायत हो सकता है कि शिक्षा बोर्ड के हाथ में तो राज्य के समूचे संसाधन हैं। यह कैसा भ्रम है। स्थिति यह भी है कि उसके पास तो दाल में नमक के बराबर अति अल्प यश है। वह तो इंग्लैंड के एक अकेले प्रतिष्ठान के लिए नियत राशि से भी कम है। पिछले पैराग्राफ में जो तर्क प्रस्तुत किए गए उनसे यह पता चलता है कि प्रेसिडेंसी में शिक्षा संबंधी प्रयासों के दौरान जो प्रमुख लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं उनका विश्लेषण और वास्तविक तथ्यों की सावधानी से पड़ताल करना उपयोगी होगा। यदि विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त उद्यम किया जाए और निष्पक्षता बरती जाए तथा निराधार विवाद और सभी प्रकार की अटकलबाजियों को दूर करने के लिए दृढ़ निश्चय का परिचय दिया जाए, लगता है वर्तमान काल ऐसे सिंहावलोकन की विशेष अपेक्षा रखता है, क्योंकि 1850 में दूसरा दशक शुरू हो गया है और उसमें प्रेसिडेंसी के स्कूल एक सरकारी बोर्ड के पूर्ण नियंत्रण में आ गए हैं। और यह स्पष्ट है कि चूंकि अब तक काफी सूचना इकट्ठी हो जानी चाहिए और वर्तमान सदस्यों में से अधिकतर उस काल के अधिकांश भाग में बोर्ड के सदस्य रहे हैं, अतः उन्हें आशा होगी कि अपने अनुभव का उल्लेख करके वे उन कतिपय अस्पष्ट पर अति दिलचस्प सवालों पर रोशनी डाल सकते हैं जो निश्चय ही इस बोर्ड में उनके उत्तराधिकारी के समकक्ष समय समय पर उठेंगे। अब हम शिक्षा संबंधी उन तथ्यों का यथारूप सूक्ष्म विवेचन करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, और हमारा विचार है जब उन तथ्यों को समुचित रूप से समझ लिया जाएगा तो स्पष्ट रूप से दिख पड़ेगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के क्षेत्र में जो अनेक विवादास्पद प्रश्न उठ खड़े हुए हैं वे स्वयं में सुलझते नजर आएंगे, और अन्य प्रेसिडेंसी और बम्बई में समानतः स्वयमेव एक ऐसी प्रणाली का विकास हो रहा है जो देश की परिस्थितियों के नितांत अनुकूल है, और जैसा कि स्वस्फूर्त विकास दर्शाता है कि उसके सामान्य लक्षण नजर आ रहे हैं। 1840 से 1850 में बोर्ड के नियंत्रण में आए शिक्षा प्रतिष्ठान, सरकारी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों और स्कूलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण दिया गया। इससे पता चलता है कि उत्तरवर्ती काल में 4 अंग्रेजी और 83 वर्नाक्यूलर स्कूल जोड़े गए और छात्रों की संख्या में सामान्य वृद्धि 100% से अधिक हो गई। इस प्रकार सरकारी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या 12,712 है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा 16,099, वर्नाकुलर शिक्षा 10,730 और संस्कृत शिक्षा 283 है। लेकिन अति सक्षम अधिकारियों के आकलन के अनुसार बम्बई प्रेसिडेंस की आबादी 1 करोड़ है। एक पिछली रिपोर्ट के उल्लेखित प्रशाई जनगणना विधि से आंकलित आंकड़ों के नियम को यदि हम लागू करें तो इतनी बड़ी जनसंख्या में 7 से 14 वर्ष के बीच लगभग 90,000 बच्चे स्कूल जाने के योग्य हैं। अतः इसका अर्थ है कि इस प्रेसिडेंसी की सरकार स्कूल जाने योग्य हर 69 बच्चों में से एक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्राप्ति करने का अवसर नहीं दे सकी है। इसके अलावा यह स्वीकार किया गया है कि वर्नाकुलर स्कूल में दी गई शिक्षा अच्छे स्तर से कोसों दूर है। श्री बिलोबी के विवरण का अधिकांश भाग इन स्कूलों के घटिया स्वरूप और घटिया परिणामों की तारीख तीखी आलोचना से भरा पड़ा है। बोर्ड न केवल इस तथ्य को स्वीकार करता है बल्कि इसके विगत अनेक वर्षों की ओर खास तौर पर संकेत दिया है कि कुछ सक्षम प्रक्षेपों को भी राय है कि वर्नाकुलर स्कूलों की एक बेहद भद्दी तस्वीर पेश होती है, लेकिन जो त्रुटियां बताई गई हैं उनको दूर करने के प्रत्यक्ष उपाय क्या है। श्री बिलोगबी ने बहुत ही सही तरीके से बताया। स्कूल मास्टरों का एक उत्तम वर्ग, कोटेड है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, स्कूल मास्टरों का एक उत्तम वर्ग, नॉर्मल स्कूल, अधिक दक्ष प्रवेक्षण, वर्नाकुलर साहित्य में वृद्धि,
लेकिन ये सब विषय हैं जिनके प्रति गत अनेक वर्षों से बोर्ड ध्यान देता रहा है और उनकी ओर अतिरिक्त खर्च के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन महामहिम की परिषद के पत्र में यह पता चलता है कि हो सकता है आने वाले काफी अरसे तक सरकार को एक ऐसा अधिकार प्राप्त न हो कि वह बोर्ड को आर्थिक सहायता दे सके। निष्कर्ष की जन शिक्षा का कोई साधन ही नहीं है। पैरा टू कौन है भारत के अलग तरह के सामान्य वर्ग के लोग। जब यह बताया गया कि भारत में आबादी के केवल छोटे से भाग को सरकारी शिक्षा की परिधि में लाया जा सकता है और जब माननीय कोर्ट ने वस्तुतः तय कर लिया है कि यह भाग उच्च वर्ग का होना चाहिए तो यह निश्चित करना आवश्यक है कि उच्च वर्ग में कौन कौन शामिल है। इसलिए यूरोपीय जिज्ञासु के लिए यह नितांत जरूरी है कि वह यूरोप की सादृश्यताओं से अपने मन को मुक्त कर ले जो अक्सर स्वयं को अनजाने में चुपके चुपके आंगल भारतीय अटकलों की ओर ले जाती है। यूरोप की विशेषता इंग्लैंड की परिस्थितियों ने शिष्टाचार धन राजनीति व सामाजिक प्रभाव के सुस्पष्ट आधार पर उच्च और निम्न वर्ग के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारत में ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। यहां सभी निरकुंज शासकों की भांति राजा की इच्छा सर्वोपरि थी। वह चाहे तो रंग को राजा बना सकता था पर ऐसी कोई रेखा न होने के कारण यहाँ आचरण में सदैव भारी समानता रही है। अंग्रेजी धारणा के अनुसार भिखारी केवल बोर्डों में रहने के लिए या मुहताज खानों में बेगार करने के लिए उपयुक्त है। भारत में उसका सम्मान होता है और वैदिक विचारधारा के अनुसार जो दंडनीय है। आपके अनुसार एक ऐसा उच्च प्राणी है जिसने ज्ञान प्राप्ति और देवता की अखंड आराधना के लिए जीवन के सभी प्रकार के भोगों और मोहों को त्याग दिया है। जो वर्ग अब भी भारत के प्रभावशाली और उच्च वर्ग समझे जाते हैं उनकी श्रेणियां इस प्रकार से हैं। प्रथम श्रेणी जमींदार और जमींदार, भूतपूर्व सामंतों के प्रतिनिधि और देशी शक्तियों के उच्च प्राधिकारी और वे जिन्हें क्षत्रिय वर्ग कहा जाता है। दूसरे वो लोग जो व्यापारी हैं, वाणिज्य से धन अर्जित करने वाले अर्थात वैश्य वर्ग। तीसरा सरकार के उच्च कर्मचारी। चौथा ब्राह्मण, उनके साथ भले ही लंबे अंतराल के बाद रहे हों, उच्च जातियों के उन कातिबों या मुंशियों को जोड़ा जा सकता है जो कलम की खाते हैं, यथा मुंबई के प्रभु और शैनवी, बंगाल के कायस्थ, बशर्ते की शिक्षा या पद की दृष्टि में उनका रुतबा हो। इन चारों वर्गों में अतुलनीय दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक संख्या में और कुल मिलाकर जो सबसे आसानी से सरकार द्वारा काम में लाया जा सकते हैं वह है ब्राह्मण वर्ण। पूरे भारत में यह बात सर्वविदित है कि पुराने जागीरदार या क्षत्रिय वर्ग हमारे राज्य में बराबर पतोन्मुखी हैं। उनका पुराना व्यवसाय समाप्त हो गया है और उन्हें नया व्यवसाय अपनाने में कोई रुचि या क्षमता नहीं दिखाई, शांति का पाठ नहीं पढ़ाया। प्रेसिडेंसी में भूस्वामी के सब्जेक्ट वर्ग को संबल देने के लिए श्री अल्फिस्टोन और उसके उत्तराधिकारियों के प्रयत्न बुरी तरह विफल रहे। इस जाति के लिए नागरिक सम्मान और शिक्षा द्वारा उन्नति के द्वार खोलने के सभी प्रयास, इस जाति को और कुछ नहीं सुहाता। वह तो झूठी शान शौकत और फिजूल खर्ची में मस्त रहता है। वह तो के मैदानी इलाकों में अपने पूर्वजों की विजय गाथा की याद में खोई रहती है। ना ही कुछ अपवादों को छोड़कर वैश्य वर्ग में उच्च शिक्षा के प्रभाव के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुल सका है। यूं तो सभी देशों में होता है पर भारत में अधिक से अधिक सभ्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा व्यापारियों के नौजवान जल्दी ही शिक्षा प्राप्त कर देते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय के अनुसार या बाजार का विशेष अनुभव प्राप्त कर सके। अंतिम वर्ग राज्य के कर्मचारियों का है। सरकार के संपर्क में आने वाले बहुत से लोगों पर उनका भारी प्रभाव होता है लेकिन उनसे भी कहीं अधिक संख्या वाले उन लोगों पर उनका कोई प्रभाव नहीं है जो सरकारी सेवा में नहीं है और जनता में उनकी साख वैसी ही है जैसी कि इंग्लैंड के सरकारी कर्मचारियों की, जिनके बारे में बड़े बद्धे ढंग से कहा जाता है कि वे तो सरकार के भाड़े के टट्टू हैं। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वॉल्यूम खंड 4 से आज इस पाठ का वाचन किया।
इस वचन में आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो वॉल्यूम जो संपादित किया गया है उसके संपादक हैं प्रधान संपादक डॉक्टर श्याम सिंह। डॉक्टर श्याम सिंह के द्वारा साफ साफ शब्दों में ये बताया गया है कि हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंग्रेजी लेखों और भाषणों के दूसरे खंड को पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विभाजित किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस खंड के 3 विषय थे, बम्बई विधानमंडल में, साइमन कमीशन के साथ और गोलमेज सम्मेलन में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संपूर्ण वॉल्यूम है, ये जिस संस्करण की मैं आपके सामने चर्चा कर रही थी, ये हमारा प्रकाशित है 2003 में। प्रथम संस्करण इसका मार्च 1994 में निकला था और द्वितीय संस्करण है 1998 का। जो मेरे हाथ में जो अभी है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संस्करण जो है वो 1998 का है, जिसके प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम सिंह, जो खुद पीएचडी डिलीट हैं, और संपादक सह संपादक हैं कलाचंद सेठ, श्रीमती भारती नरसिंहन। बहुत इंटरेस्टिंग जो आंकड़ा दिया गया है इस वॉल्यूम में वो ये कि प्राथमिक शिक्षा 1891 से लेकर 1882 तक, स्कूलों में छात्रों की संख्या क्या थी, छात्रों की कुल संख्या का वह कितना प्रतिशत थे, प्राथमिक शिक्षा 1881 से 1882 में क्या थी, मुस्लिम की क्या थी, पारसी की क्या थी, आदिम जातियों की क्या थी, पर्वतीय जातियों की क्या थी, छोटी जातियों की क्या थी और यहूदी की क्या थी। उससे पहले जो आंकड़ा हमारे सामने था वो था ईसाई की संख्या क्या थी, ब्राह्मण की क्या थी और दूसरे अन्य हिंदुओं की क्या थी। फिर इसके बाद इसमें जो विस्तार से वर्णित किया गया, जो आप सब श्रोताओं को, मुझे भी खुद और ज्यादा गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है, वो ये कि 1881 से 1882 तक का जो प्राथमिक शिक्षा का आंकड़ा है, जो माध्यम शिक्षा का आंकड़ा है और जो कॉलेज शिक्षा का आंकड़ा है, वो बहुत ही हमें अध्ययन करने के योग्य है। मैं सीधा आपको ले चलती हूँ कॉलेज शिक्षा के साथ। कॉलेज शिक्षा में 1881 से 1882 तक ईसाई कॉलेज में छात्रों की संख्या सिर्फ 14 थी, जो छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत मात्र 3 था, मात्र 3%। ब्राह्मणों की संख्या देखिए, ब्राह्मण विद्यार्थी, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जो वर्ग से आने वाले विद्यार्थी थे, उनकी संख्या है 241। छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत 50%, अर्थात ब्राह्मण विद्यार्थी जो उस वक्त 1881-1882 में जो कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहा था वो 241 था, जो सीधा एकदम 50% था। और इसके अलावा जो और जो मुस्लिम जातियां थी उसमें सिर्फ 7 ही विद्यार्थी थे, 1.5% था। पारसी 108% था। आदिम जातियों और पर्वतीय जातियों का 0% था। 1881 से लेकर 1882 में कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों का आंकड़ा, जिसमें आदिम जातियां लिखा हुआ है, इसमें आदिम जातियां और पर्वतीय जातियां जिनका 0% था, जो संख्या का भी 0% था, और जो अन्य में जो दिया गया यहूदी सहित अन्य वो केवल 2% है, दो आंकड़ा हमें दिखाई देता है। 4%। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अलंकित सरकार की नीति जन शिक्षा की थी, परंतु आम आदमी के लिए शिक्षा उतनी ही दुर्लभ थी जितनी 1854 से पहले थी। और 18 हिंदुओं की जो आदिम जातियां अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक पिछड़ी हुई थी। यहाँ तक कि 1881 से 1882 में प्रेसिडेंसी में इन दो समुदाय का एक भी छात्र स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ता था। बड़ा सोचने विषय है। हम आगे अगली कड़ी में कल आपसे मुलाकात करेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई बातचीत से आप सहमत ना हो, असहमति हो, तो हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हम संवाद के माध्यम से उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हमने ये ठाना था व्यक्तिगत रूप से मैंने कि 14 अप्रैल तक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती तक, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो वॉल्यूम है, जो संपूर्ण जो वांग्मय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उस पर हर दिन हर एक खंड में से कुछ कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। आप सब श्रोतागणों का, आप सब साथियों का मैं आभारी हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं विस्तार से पढ़ा जाना चाहिए। मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा, मैं भी पढ़ रही हूँ। जितना पढ़ते जाए सागर की बूंद के समान हमें ये नजर आता है, जितना पढ़ते जाएंगे सागर का पानी जैसे खत्म नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए कामों का, उनके साहित्य का, और उनकी जो एक तरह से जो हम कहेंगे कि उनका जो पूरा जो संपूर्ण जीवन है, जिस तरीके तरह से उन्होंने अपने काम के द्वारा और साहित्य, बाबा साहब खुद कहते भी थे, बाद के भी साहित्य में हमें दिखाई देता है कि व्यक्ति को कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिनके बारे में कोई दूसरा लिख सके, या आप अपने बारे में इतना लिखिए कि दूसरे उसको पढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।